लो जी, नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन नॉलेज डे पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, 5 फरवरी 2024 सोमवार से आप सभी को मोदी सरकार देने जा रही है बहुत ही बड़ा फ़ायदा। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं, ध्यान दीजिएगा, गरीब परिवारों के हित में मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उनको समृद्ध बनाया जाए, उनको ऊँचा उठाया जाए, गरीबी से बाहर निकाला जाए। आप सभी को मैं बता दूँ, आप सभी अगर गरीब परिवार से हैं, बीपीएल का राशन कार्ड आपका बना हुआ है, पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है, तो आपको अलग से बेनिफिट मोदी सरकार सोमवार 2024 5 फरवरी से देने जा रही है। भाई, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है आपको मैं बताऊंगा, किस प्रकार से 1-1 लाख रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंटों में सीधे तौर पर ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके साथ साथ 3 LPG गैस सिलेंडर अब आपको साल में बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आधार कार्ड किन लोगों का बंद किया जा रहा है, मोदी सरकार की तरफ से आधार कार्ड पर बहुत बड़ी अपडेट है। उसके साथ साथ हर गरीब परिवार को मिलेंगे अब 5,700 रुपये, वो भी बिल्कुल फ्री में। वही महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने थे भाई, काफ़ी सारे राज्य सरकारों ने भी पहले प्रयास किया था स्मार्टफोन महिलाओं को देने का। अब मोदी सरकार भी प्रयास कर रही है कि महिलाओं को भी अब हम डिजिटल बनाएंगे, महिलाओं को भी अब मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन के साथ जोड़ेंगे। क्या योजना है भाई, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। अंत तक देखिए भाई वीडियो को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले सोमवार 5 फरवरी 2024 से आपको राशन कार्ड के जरिए, जी हाँ, जिनका भी बीपीएल का राशन कार्ड बना हुआ है, पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है, उनके बैंक अकाउंटों में 1-1 लाख रुपए मोदी सरकार जारी करेगी। और ये जो 1-1 लाख रुपए होंगे, ये आपको अब मकान मरम्मत के रूप में मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, ये जो पहले पैसा मिलता था आपको 80,000 रुपये मिलता था मकान मरम्मत करवाने के लिए, आपको राशि 80,000 रुपये मोदी सरकार जारी करती थी। अब 20,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब आपको 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी गई है। बहुत से राज्यों में इसके आवेदन भी मांग लिए गए हैं। आने वाले 5 फरवरी सोमवार से आप आवेदन भी कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कभी भी भाई मकान मरम्मत के पैसों के लिए आवेदन नहीं किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और जिन्होंने पहले पैसे ले रखे हैं, उनको पैसे इसमें मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी आवेदन करते हैं, फरवरी में ही आवेदन करते हैं, तो आपको भाई लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं अप्रैल या फिर मई में, उससे पहले ही आपको पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में मोदी सरकार डालने का काम करेगी। और ये पहले ये क्या होता था कि आपको 2 चरणों में पैसे मिलता था, यानी कि भाई 40,000 और 40,000 के 80,000 रुपये आपको दिए जाते तो 2 चरणों में आपको पैसे मिलता था। अब मोदी सरकार ने इस नियम को भी चेंज कर दिया है, अब आपको पूरा पैसा यानी कि 1 लाख रुपए की जो राशि है वो एक ही चरण में आपके बैंक अकाउंटों में डाल दी जाएगी। बहुत बड़ी खबर है भाई। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अब महिलाओं को तोहफा दिया है भाई। जिस प्रकार से 2023 में रक्षाबंधन आया था, तब से लेकर अब तक लगातार LPG गैस सिलेंडर के जो दाम है वो घटाए गए थे। फिलहाल की बात करें तो LPG उज्ज्वला योजना जिनके पास है, उनको 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर मुहैया करवाई जा रही है। जैसे हम बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, जहाँ पर 450 रुपये में मोदी सरकार LPG यूज करवा रही है। अब मैं आपको बता दूं, साल में 3 LPG गैस सिलेंडर आपको फ्री दिए जा सकते हैं। होली, दीपावली और ईद के पावन मौके पर आपको ये जो सिलेंडर है ये मोदी सरकार फ्री दे सकते। जिस प्रकार से भाई उत्तर प्रदेश में 2 LPG गैस सिलेंडर पहले ही मोदी सरकार फ्री देती है, 1 LPG गैस सिलेंडर आपको और फ्री दे सकती है। आपको मैं बता दूं, इस पर कल फाइनल मोहर लगाई जा सकती है। मोदी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग है और मीटिंग में इस पर बड़ा फैसला मोदी सरकार ले सकती है। आपको मैं बता दूं, LPG गैस सिलेंडर के जो दाम हैं उसमें भी और कटौती करने जा रही है मोदी सरकार भाई। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, अब तकरीबन 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में और अब LPG के जो दाम है वो मोदी सरकार घटाने वाली है। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ, ये जो दाम थे ये 1 फरवरी को ही घटने थे, लेकिन भाई 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया, लेकिन अंतरिम बजट था। आप सभी जानते हैं, अगर दूसरी सरकार बनेगी तो दूसरा बजट भी आएगा, उससे पहले ही मोदी सरकार आपको तोहफा दे सकती है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले आपको ये तोहफा मोदी सरकार देने वाली है। यानी कि हम बात करें तो LPG के जो दाम है वो 350 या फिर 400 के आसपास ही रह जाएंगे भाई। अगर अब 100 रुपये और कटौती होती है तो 350 या फिर 400 के आसपास ही अब LPG गैस सिलेंडर का दाम रह जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए आधार कार्ड बंद करने का आदेश जारी किया है भाई।
बहुत से ऐसे उपभोक्ता थे जो कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाए बैठे थे भाई। एक आधार कार्ड बनवाया, दूसरे में अपना नाम चेंज करवा लिया, एड्रेस चेंज करवा लिया, और वह एड्रेस पर रहते भी नहीं हैं, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करवा ली, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे थे। बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसका फ़ायदा गलत तरीके से उठा रहे थे। आधार कार्ड के जरिए मोदी सरकार ने साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि भाई सभी आधार कार्डों की जांच होगी, जिनका भी फर्जी आधार कार्ड पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी और उसका आधार कार्ड तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा। कल की बात करें तो भाई तकरीबन पहले चरण में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जिनका आधार कार्ड फर्जी तरीके से बना हुआ है, उनका आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से। वे उस आधार कार्ड के जरिए किसी प्रकार की कोई भी सरकारी योजना हो, कोई भी बैंक की सुविधा हो, किसी का फ़ायदा वह आधार कार्ड के जरिए नहीं उठा पाएंगे। अगर आपका आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है तो आप उसको ज़रूर ठीक करवा लें, अन्यथा आप पर भी कार्रवाई हो सकती है भाई। बहुत बड़ी खबर है भाई। और आधार कार्ड का जो अपडेट निकल के आ रहा है सामने कि आधार कार्ड आप अपना एड्रेस हुआ, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हुई, नाम हुआ, किसी को भी आप चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अभी तक कोई पैसा नहीं देना है। 31 मार्च तक आप इसे अपडेट भी करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अब प्रत्येक गरीब परिवार के मुखिया को, जी हाँ, प्रत्येक गरीब परिवार की मुखिया को 5,700 रुपये देने की घोषणा कर दी है, वो भी बिल्कुल फ्री में भाई। आपको मैं बता दूँ, बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके मुखिया यानी कि जो कमाने वाले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। यानी कि आपको मैं बता दूँ, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा 5 किलोमीटर तक वे पैदल चलते हैं और फिर जा कर के अपने मंजिल तक पहुँचते हैं। मोदी सरकार उनको साइकिल देने के लिए प्रयास कर रही है। साइकिल का जो पैसा है वो उनको दिया जाएगा, और ये जो पैसा है ये भी भाई अच्छा खासा पैसा मोदी सरकार आपको दे रही है। 5,700 रुपये आपको, यानी कि 5,700 रुपये आपको सीधे तौर पर बैंक अकाउंटों में जारी किए जाएंगे, और ये जो पैसे हैं ये ई श्रम कार्ड के जरिए आपके बैंक अकाउंटों तक पहुँचेंगे। यानी कि अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो आपको ये जो पैसा है ये ई श्रम कार्ड के जरिए डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंटों में पहुँचाने का काम किया जाएगा। क्योंकि भाई बीच में किसी प्रकार का बिचौलिया नहीं चाहिए, मोदी सरकार ने बीच में बिचौलिया नहीं रखा है, सीधा वहाँ से बटन दबेगा और आपके बैंक अकाउंटों तक जो पैसा है वो पहुँचेगा। आपको मैं बता दूँ, और भी काफ़ी सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार लॉन्च करने जा रही है। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिससे लाखों रुपए आपको फ़ायदा हो और वे आप गरीबी से बाहर निकले। सभी जानकारी आपको समय से पहले ही मिलती रही। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आपके दोस्त रहते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।